हमारे लिए एक परीक्षा है या परमात्मा के निश्चय की एक पेपर है जो हमको यहाँ से निकलना। अमरेश जी आपकी क्या राय है, हाल ही में जैसे एक मसला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा लंबे अरसे तक, तीन तलाक पर भी लोगों की इस तरह की प्रतिक्रिया रही कि जैसे कोई धर्म पर हमला हो रहा है, जैसे किसी एक पंथ विशेष को समाप्त किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये पंथ पर तो नहीं, ये सभी के लिए अच्छा है, चाहे मुस्लिम हो जाए, ये तीन जो तलाक का जो है वो तो होना ही चाहिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो तो बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि इससे सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए भी अच्छा रहेगा और उनके समाज के लिए भी अच्छा रहेगा, उनको भी आगे आने के लिए मौका मिलेगा, उनको आज आगे आना अच्छा रहेगा। अमरजीत जी, ये आपसे प्रश्न बार बार जहन में आ रहा था कि धर्म एक ऐसी धारणा, एक ऐसा अपने भीतर का आत्मविश्वास जो हमें एक मनुष्य होने का बोध कराता है, लेकिन ये क्या हो रहा है पिछले कुछ अरसे से लगातार ऐसा हो रहा है कि ये एक संपत्ति बनाने का जरिया बन जा रहा है, ये एक विवाद का जरिया बन जा रहा है, ये किसी को ऊंचा और किसी को नीचा दिखाने का जरिया बन जा रहा है। सबसे पहली गलती तो हमारी स्वयं की है जी। हम अंधे भक्ति में लीन हो जाते हैं जी। हम जैसा कि आपने पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि उसकी संपत्ति, उसकी स्टेटस देख करके हम उनके साथ उनका चेले बन करके जुड़ जाते हैं जी। इसीलिए हमारे धर्मगुरु साहब ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जी। 10 गुरुओं के पश्चात देहधारी गुरु की परंपरा ही बन कर दी जी। उन्होंने कह दिया कि आज के बाद से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे गुरु होंगे, कोई भी देहधारी व्यक्ति हमारे गुरु नहीं होगा, ताकि उनको पूर्वानुमान हो गया होगा कि आगे चल के क्या होने वाला है। ये ढोंगी बाबाओं का जो आजकल देश में आतंक मचा हुआ है, उनको पूर्वानुमान हो गया होगा, इसीलिए उन्होंने कहा सिख समाज में आज के बाद कोई भी माने देहधारी गुरु नहीं होगा, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे गुरु होंगे। तो हमारा मतलब लोगों से ये कहना है कि ऐसे ढोंगी बाबुओं से बचे, और जो आपका हर व्यक्ति का धर्म, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, जो उनको मूल मंत्र सिखाया गया उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें। डॉक्टर राजेश साहब, इसी विषय पर आपसे प्रश्न है कि जिस तरह सोसाइटी आगे बढ़ रही है, हम फॉरवर्ड हो रहे हैं, हम एजुकेटेड हो रहे हैं, हम दुनिया के बहुत ज़्यादा तार्किक लोगों में गिने जा रहे हैं, हम बहुत फॉरवर्ड क्लास के होते जा रहे हैं, लेकिन हम इस जैसे ही इस मामले में आते हैं, क्या क्या वजह है कि हम कहीं ना कहीं इस मामले में दुख का कारण और दुख का निवारण दोनों ही हम वहाँ ढूंढते हैं जहाँ पर हमें इसी विषय में ढूंढते हैं? हमारी फैम ने जैसा कहा कि गुरु ग्रंथ साहब, वैसे ही हमको भी बाबाओं के चक्कर में ना पड़ते हुए गीता, पुराण, बाइबल, वेद, मूलभूत ग्रंथों पर उपनिषद, पुराण, इनका अध्ययन करके उसमें से सार हमको खुद ग्रहण करना चाहिए, ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ने से। और ढोंगी बाबाओं के जो भक्त हैं सब लाठी तलवार लेके आए थे वहाँ, मतलब उनको पता था कि बाबा दोषी है, फिर भी उनका साथ है अंध भक्ति के साथ। कोई 10 किलो मिठाई नहीं लाया कि बाबा बरी होंगे तो मिठाई बांटी जाएगी, सबको अपना स्वाध्याय करके और उस हिसाब से धर्म ग्रहण। सब स्वाध्याय नहीं कर सकते डॉक्टर दीपक शर्मा जी, समाज में ये आदिकाल का सत्य है कि संपूर्ण मानव समाज स्वाध्यायी नहीं हो सकता, उसी मानव समाज में से कुछ होंगे जो उस शेष मानव समाज को दिशा दिखाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि एक व्यक्ति विशेष को भगवान का दर्जा दे करके उसकी उपासना और उसके शरण में जा करके अपनी समस्याओं से राहत पाने का तरीका गलत है। गीता के सिद्धांतों का यदि हम अनुसरण करें तो परमात्मा के अंश के रूप में प्रत्येक मनुष्य के शरीर में ईश्वर विद्यमान है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अंदर के ईश्वर को जागृत करने का प्रयास करें, सत्य के मार्ग का अनुसरण करें। यदि मनुष्य स्वतः बुराइयों का त्याग करता है, स्वतः वो अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है, तो निसंदेह वो ईश्वर को प्राप्त होगा। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिन ग्रंथों का अध्ययन करके हम ईश्वर की प्राप्ति का तरीका ढूंढ सकते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में भी मैंने देखा बहुत सारी बुराइयां मैंने दूर करने की कोशिश करी, जैसे पत्थरों को पहनने से भाग्य बदल जाएगा, या दूसरे के माध्यम से अनुष्ठान या पूजा करके लोग ठगे जाते हैं। पूजा आपको स्वयं करनी है, शिवलिंग का अभिषेक आप स्वयं करिए,
दान पुण्य आप स्वयं करिए, मंत्रों का जाप आप स्वयं करिए, तभी जा करके आपका कल्याण होगा या आपकी समस्याएं कम होंगी। अभी समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं के पीछे केवल एक ही एकमात्र कारण मुझे परिलक्षित हो रहा है कि हम ये सोचने लगते हैं कि हम अमुक व्यक्ति के समीप गए, बाबा जी ने हाथ फेराया और हमारी समस्या समाप्त हो गई। ये एक अंधविश्वास है। यदि आप गीता का अनुसरण करते हैं या गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण करते हैं तो शायद ईश्वर को प्राप्त करने का वो सरल माध्यम हो सकता है। बिल्कुल सही कैनट साहब, ये प्रश्न बार बार जेहन में आ रहा है कि अंधविश्वास और धर्म बहुत इतने जुड़ गए हैं कि जरा सा भी चीज इधर उधर होती है तो अंधविश्वास बन जाती है और जरा सा भी आप शुद्ध होते हैं धर्म की तरफ। इसको दूर करने के लिए किस तरह की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि धर्म ही एक ऐसी प्रकाश मसाल है जो इसको प्रकाशित कर सकती है। आपने सही कहा और हमारे भाई भी अभी कहा कि आप स्वयं अपने अंदर झांक के देखिए। ये हर ग्रंथों में लिखा है, हमारे बाइबल में लिखा है यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम एक मंदिर हो ईश्वर। जब हर ग्रंथ में ये लिखा है और मैं शिक्षक हूँ तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान को ईश्वर का दर्जा कैसा दिया जाता है हमारे देश में। पहले दूसरी, अभी जो हम देख रहे हैं टीवी में जो बाबा जी की बात हो रही है, मैं इतना भीड़ इतना इंपॉर्टेंस ये देता कौन है? ये आप और हम देते हैं। वोट बैंक अगर खत्म होगा तो ये धर्म गुरु और धर्म बाबा जो पाखंडी वाले हैं ये खत्म हो। अगर आप ध्यान देंगे, जैसे कि आपने भाई ने कहा कि इनके अगुवाई ने इनके चेले ने उन्हें पेट्रोल बम और पेट्रोल ये सब रखे थे, जैसा आपने कहा है ना। अगर आईबी रिपोर्ट देखे आप हरियाणा के, तो आईबी रिपोर्ट में ये इंडियन ऑयल कंपनी को 3 दिन पहले इन्होंने नोटिस दे दिया था पुलिस विभाग में कि आप किसी को ओपन पेट्रोल ना बेचे। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जानती थी। 144 धारा लगने के बाद भी वहां धारा का कोई महत्व नहीं था। ये क्या आपको बताती है? ये बताती है कि कहीं ना कहीं हमारा सरकार कंट्रोल कर रहा है कहीं। इसीलिए तो हाईकोर्ट बीच में आई, हाईकोर्ट को आना क्यों था? और जब भी ऐसा परिस्थिति आती हमारा देश में तो उच्च न्यायालय को आना चाहिए सामने। अगर ऐसी घटना कहीं भी घटे, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाए ऐसी घटना, तो बहुत कम घटना घटेगी ऐसा। कितने मरे थे? 35-40 लोग मरे थे। ये हाई कोर्ट के आने से इतना होगा। अगर हाई कोर्ट वहां नहीं आती तो हमारा देश आज भी जलता। गुरु जी के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लोग अपना ग्रंथ नहीं पढ़ते। जिस दिन साधारण व्यक्ति भी अपना ग्रंथ को पढ़ेंगे वो कोई भी बाबा का चक्कर में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कॉलिन साहब ने कहा कि अगर हम अपना अध्ययन करेंगे, अपना स्वाध्याय करेंगे, अपना आत्मा का अध्ययन भी और अपने धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन भी, तो हम कभी किसी टकराव की स्थिति नहीं आएंगे। मनीष जी, अरोड़ा साहब, आपसे प्रश्न ये है कि जैसे इन्होंने कहा वोट, तो क्या ये मान लिया जाए कि बाबा तब तक रहेंगे जब तक लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र का तो केंद्रीय भाव वोट है। देश की पॉलिटिक्स तो ऐसी ही आजकल, लेकिन मैं इन सब घटनाओं में दोष दूंगा हमारी अज्ञानता अंधविश्वास को। आज जैसे हमारे हर धर्म हमारे ज्ञानी जी गुरुद्वारे में हैं, पंडित जी हैं, मौलवी साहब हैं या पादरी साहब हैं, ये एक माध्यम ईश्वर के पास जाने के, हम इनको ईश्वर मान लेते हैं। जैसे पंडित जी ने बोला कि हम अपना दान खुद क्यों नहीं करते, ईश्वर भक्ति खुद क्यों नहीं करते। उसका क्या, ईश्वर ने हम सबको कुछ IQ दिया है, बुद्धि दी है। हो सकता है रामदेव जी बाबा जी बात चल रही है, IQ बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनकी कला है थोड़ी लोगों से संबंधित करके, लेकिन उन पर दोष चरित्र लगा उनको। तो कोर्ट ने इसमें 15 साल उसकी जांच की, उनको सजा दी। तो उनके वकील ने अपील की साहब 7 साल की मिनिमम सजा दी जाए, मतलब जानते थे दोषी करके। जैसे मनोज जी ने कहा कि हमारे गुगन साहब में हमारा धर्म एक्चुअली साहब 5.5 साल पुराना है। उसमें क्या, वो बहुत से हर ग्रंथों की अच्छाई को लेके, अच्छे जैसे कबीर जी और फरीद जी की बाड़ियों को लेके, जैसे हमारे 5 गुरु की बाड़ी है, जैसे भट्ट की बाड़ी है, संतों की बाड़ी है, छठे गुरु की बाड़ी है, लेकिन हमारे गुरु का नाम उसे कहीं नहीं आता। तो उसमें ग्रंथ में मतलब हर चीज़ अच्छी दी गई है। बिल्कुल सही बात है। एक बार फिर से कई कुरुतियाँ भी हमारे यहाँ उसमें हटाई गई हैं। लोग कुरुति बोलते हैं, हम उसको पागन हम नहीं बोलते, उनके नहीं लगाते, कई हटाई गई हैं। वर्गन जब तक हम अशिक्षित रहेंगे, अनुशासित रहेंगे,
तब तक तकलीफ होगी। पंडित जी का हम खुद स्वयं क्यों नहीं पूजा करते, क्यों पूजा नहीं करते, तब हम आगे बढ़ पाएंगे और देश की वोट पॉलिटिक्स तो क्या देश पर बात करेंगे। हम एक बार फिर से गायत्री परिवार की तरफ रुख करेंगे। गायत्री परिवार ने धर्म की वैज्ञानिक व्याख्याओं को लेकर के बहुत सा देश के अंदर जो भी धार्मिक जो परफॉर्मेंस है, जो पूजा पद्धतियाँ हैं, उनको आपने उनका एक ज्ञान संगतता का एक बीड़ा उठाया है। इस बीड़ा को कितना पहुँचा पाए हैं और ये ही एक रास्ता रखता है, जान पड़ता है, जो अंधविश्वास से मुक्ति दिला सकते हैं। क्योंकि हर धर्म का मूल मनुष्य का निर्माण है, मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट का निर्माण है। इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि गायत्री परिवार में जो पूजा कराया जाता है उसमें जो सत्संकल्प पाठ परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है उसमें एक है जो वर्तमान समय के लिए उपयुक्त है और हम सबको ध्यान में रखने योग्य है, वह यह है कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। ये उन्होंने संदेश दिया, इसका हम सबको पालन करना चाहिए, चाहे कोई सा भी परंपरा हो, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे, बस इसका ध्यान रखें तो सब संभव। पाटनवार साहब, जैसा कि वो आचार्य श्री राम शर्मा जी कहा करते थे, हम सुधरेंगे योग सुधरेगा, इसको कितना कर पाते हैं प्रैक्टिकली ग्राउंड पर और कितना प्रचारित हो पाया और कितना लोगों ने इसको अंगीकृत करा? हम लोग जिस समय जुड़े उस समय गुरु जी का एक संदेश कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, सिंपल शब्द है जी, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम ही बदले नहीं तो युग कैसे। बिल्कुल, ये विवेक की पहली वो थी पुकार। बिल्कुल, एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि हम बदलेंगे, हमने उसको समझा नहीं, हम कहे कि युग बदलेगा तो हम बदलेंगे, जमाने के साथ चलना और जमाने को अपने साथ चलाना। और देखिए अभी की जो घटना है ये यहीं पर लागू हो जाता है कि युग बदलेगा, हम लोग जुड़ गए उसमें, युग बदलेगा, ये गुरु जी हमको युग बदला बदले हुए युग में लेके जाएंगे, में लेके जाएंगे और उसमें हम लोग जुड़ गए। हम ये नहीं सोचे कि हम बदलेंगे तब युग बदलेगा, ये गुरु जी हमको नहीं बदलेंगे, हम बदलेंगे तब। ब्रह्म कुमारी जी को जो देश में सबसे ज्यादा जाना जाता है, इस बात के लिए ज्यादा जाना जाता है, वो अपनी आध्यात्मिक जो चिंतन मंथन मनन विचार है, विमर्श है, उसकी वैज्ञानिक संगतता हो, जिस तरह से गायत्री परिवार को पूजा पद्धतियों की वैज्ञानिक संगतता के लिए ज्यादा जाना जाता है, वैसे ही ब्रह्म कुमारी को आत्मिक चिंतनीय जो वैचारिक जो स्थितियां हैं उनके वैज्ञानिक तथ्यों को संगत करने के लिए जाना जाता है। ऐसे तथ्य में जो कि अंधविश्वास को हटाने का और घटाने का कम से कम मार्ग है, तो ये कितना साकार हो पा रहा है और इसके लिए किस तरह की आपके पास योजनाएं? अभी जो वर्तमान में ज़्यादातर जो भी बुराइयाँ बढ़ रही हैं उसका कारण है आत्मबल की कमी। जब आत्मा कमजोर होती है तो बुराइयाँ उसके ऊपर हावी होती हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें आत्मचिंतन करना होगा। आत्मचिंतन अर्थात हमें स्वयं को समझना होगा। हम दिन में कितनी बारी मैं मेरा ये दो शब्द कहते हैं, लेकिन मैं कहने वाला कौन और मेरा कौन? तो जैसे हम ये जानते हैं कि ये शरीर जो है पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जल वायु भूमि और अग्नि और आकाश, और उसी तरीके से आत्मा सात गुणों से मिलकर के बनी हुई है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्ति, ये आत्मा के सात गुण हैं। और इन सात गुणों की कमी ही हमें बुराइयों की तरफ खींचती है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे पांच तत्व हैं और ये पांच तत्व से एक एक विकार आते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं भूमि, भूमि में होता है वजन, और कहते हैं ये शरीर भी मिट्टी से मिलकर के बना हुआ है, वापस मिट्टी में मिल जाएगा। तो जब हम किसी के शरीर को देखते हैं तो वहां पे काम विकार की उत्पत्ति होती है। दूसरा तत्व है जल, अगर उस मिट्टी में जल मिल जाए तो वो मिट्टी कीचड़ बन जाती है, अर्थात जब अगर यदि मान लो किसी के शरीर को देखते हैं तो काम की उत्पत्ति होती है, लेकिन अगर उससे फिर धीरे धीरे करके वो मोह में भी बदलता है। फिर अग्नि अर्थात क्रोध, तो जो आज अग्नि की तरह हमारी सारी शांति को जला करके खत्म कर रहा है। फिर होता है लोभ अर्थात हवा, क्योंकि कोई भी अगर यदि मान लीजिए आज कहीं पर अगर कोई चीज बन रही है, अच्छे पकौड़े ही बन रहे हैं, उसकी खुशबू आई, तुरंत इच्छा होगी कि हम वो खाएं, तो वो जो हवा है उससे हमारे अंदर में लोभ की उत्पत्ति हो रही है। और आकाश अर्थात अहंकार, कि मेरे जैसा विशाल कोई नहीं, मेरे जैसा महान कोई नहीं है।
तो जब हम अपनी आत्मस्मृति में, जैसे अगर यदि मान लीजिए शरीर में 70-80% पानी है, पानी की कमी होती है तो शरीर उस चीज़ की डिमांड कर रहा है, उसी तरीके से आत्मा को किस चीज़ की डिमांड है? आत्मा को शांति की, पवित्रता की, खुशी की। इसकी वजह से, क्योंकि उसे नहीं मालूम है कि मैं कैसे उसका निर्माण करूँ, तो वो किसी के शरण में जाते हैं, किसी देहधारी के शरण में जाते हैं कि शायद वहाँ से मिल जाए, लेकिन वो खुद ही खाली है तो हमें कहाँ से देंगे। तो इसके लिए हमें परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना होगा, और जब परमात्मा से हम सही विधि से कनेक्शन जोड़ते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं, जैसे कि अगर यदि मान लीजिए हम कहते हैं दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार होता है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रही हूँ, लेकिन ये नमस्कार नहीं है, दोनों हाथ जोड़ करके ही नमस्कार होता है। तो उसी तरीके से हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में बाहर जूते चप्पल उतार करके जा रहे हैं कि हमें अशुद्ध चीज़ों को, चमड़े की चीज़ों को अंदर लेकर के नहीं जाना, लेकिन ये तो पूरा शरीर ही चमड़े का बना हुआ है, इसको तो हम नहीं उतार रहे, इस देह भान को खत्म नहीं कर रहे हैं। तो सारी बुराइयों की जड़ है देह भान। जब देह भान खत्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा आत्मबल बढ़ता है, और आत्मबल बढ़ने से स्वतः ही हम सही क्या है, गलत क्या है, हमारे अंदर परखने और निर्णय करने की क्षमता विकसित होती जाती है। डीके संतोषी जी, जैसा मैडम कह रही है स्वाति जी कि देह को हमने विशेषक किताब मान लिया, हमने उसके जरिए कर लिया, तो क्या समग्र साधु समाज की शरण में जाना बंद कर देना चाहिए? देखिए, ईश्वर को पाने का जो माध्यम है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, और आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमें जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, हमें लगता है कि हमें उसका सार चाहिए या हमें मिल जाए कुछ अच्छा, तो हम जो है और जो भी धर्मात्मा है या फिर और जो साधु संत है आदि सबके पास जाते हैं कि उनसे हमें ये प्राप्त हो जाए। लेकिन वो भी जो प्राप्त कर रहे हैं या उन्हें जो मिल रहा है, अगर हमें उस डायरेक्ट सोर्स का अगर पता चले, क्योंकि ये सारे तो एक माध्यम है, लेकिन हमें भी यदि वो डायरेक्ट सोर्स जहाँ से वो शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ से वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, यदि हम उसे स्वयं पर अपने ऊपर केंद्रित करके हम अध्ययन यदि करते हैं तो हम भी उस ज्ञान को, उस मार्ग को, सत्य मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात संतोषी जी आपने कही कि ईश्वर का कोई डीलर नहीं होता, ईश्वर सबको सीधा उत्पाद देता है, आप सीधे जाकर के भी उसकी दुकान से अपना आनंद का उत्पाद खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, जीवन को सुधार सकते हैं। जैन साहब, आपसे प्रश्न आ रहा है कि जैन समाज को जो है त्याग उसके मूल में, उसके संतों में भी त्याग ही मूल में जाता है, और शायद यही वजह होगी किसी कालांतर प्रकारांतर में हम बात करते हैं कि दोष धार्मिक स्तर पर थोड़े कम आ पाए हैं, आए हैं कम आ पाए हैं, इस पर आपकी क्या? जो जैन समाज के जो गुरु हैं वो पूरा सांसारिक जीवन को त्याग और तपस्या और पूरी तरह से आज भौतिक सुविधाओं को त्याग रखते हैं, इसलिए वो आज इन भौतिक सुविधाओं के कारण आज पूरी तरह से जो धर्म का जो लाभ है वो जैन समाज को बराबर देते हैं, और किसी भी प्रकार का इस तरह से जो चीज़ें आजकल हो रही है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि वो भौतिक सुविधाएँ ही जब नहीं रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें जो अपराध की श्रेणी में आते हैं वो सब कम होंगे। मनीष जी, आपसे एक प्रश्न है, एक अभी अभी जहन में आया अचानक से कि प्रवचन बहुत होती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, धर्म की तरफ ले जाने की बात होती है, लेकिन क्या अब ये दौर आ गया है कि धर्म की तरफ ले जाने की बातों के साथ साथ इस तरह की बातें भी होना जरूरी है कि धर्म की तरफ ना जाए? धर्म क्या है ये तो लोग समझने लग गए हैं कि ये काम अच्छा है, लेकिन ये शायद कहीं भूलते जा रहे हैं कि ये काम अच्छा नहीं है। हमें ज्ञान की, गुरु की जरूरत है, ईश्वर डायरेक्ट भी हम हमारे गूगल सब क्या धीरे धीरे ले थक जाए, भगवान चाहते आप थक जाओ लेते हुए, गुरु की आवश्यकता होती है। कुछ गुरुओं ने इस परंपरा को गलत बदनाम किया है, गुरु बुरे नहीं होते हैं, और मतलब गुरुओं की आवश्यकता है ईश्वर के जुड़ने के लिए, ईश्वर से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ गुरुओं के नाम से गुरु बदनाम है, सब ऐसे नहीं होते हैं। हमको विवेक से अपने अंधविश्वास को हटाना है, अपने को शिक्षित करना है कि हम आदमी के चलते। ईसाई समाज के केंद्र में सेवा है, सेवा के लिए दुनिया में अनेकों संत समाज से आए हैं जिन्होंने दुनिया में सेवा की मिसाल पेश की। सेवा एक ऐसा माध्यम है जो जिसका एक मनुष्यता को संपूर्ण रूप से समझने का, सेवा के भीतर ही अपने आप ही समर्पण भाव आता है, हम जब किसी की सेवा करते हैं, क्या सेवा के जरिए हम अंधविश्वास को एड्रेस कर सकते हैं? कोलिन साहब,
ईसाई धर्म सेवा धर्म है, आपने ठीक कहा है। हमारे ईसा मसीह ये कहते हैं कि आप अगर चर्च जा रहे हो और आप अपना भाई से बात नहीं करते तो पहला अपना भाई से बात करो फिर मेरे चर्च आना। मतलब इसका कहना ये हुआ कि आपने पड़ोसी से प्यार करो। हम अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते हैं और हम धर्म की बात करते हैं। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि जागरूकता बहुत जरूरी है, ज्ञान, धर्म का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। कोई भी धर्म हो, अपना ज्ञान अगर अच्छा रखे, कभी कोई बाबा और कोई धर्म गुरु के इस अंधविश्वास में नहीं आएगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। हर व्यक्ति अपना ग्रंथ को जानना चाहिए। जागरूकता कारण आज अंधविश्वास पैदा होता है और अंधविश्वास का दुरुपयोग किया जाता है, और आज जो परिणाम दिया देखने को मिल रहा है वो सिर्फ अंधविश्वास का दुरुपयोग। मैं एक बाबा का नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, एक धर्म गुरु था हमारे हिंदुस्तान देश में, मैं नाम नहीं लूंगा। जब उनको जेल हुआ था, मैंने विकिपीडिया में पढ़ा, जब उनको जेल हुआ था शिकागो में अमेरिका में, तो रोज एक दो ट्रक सिर्फ गुलाब पहुंचती थी, और जब जब उसने कोर्ट जाता था, हमारा हिंदुस्तान का कोई धर्म गुरु था, जब वो कोर्ट जाता था तो पूरे रास्ते में गुलाब बांटाया जाता था। देखो इसका भी एक संदेश है, ये भी एक तरह का तरीका है ये हमारा तरीका है, और समर्थन का भी तरीका है, विरोध का भी तरीका है, धर्म का भी तरीका। तो अंधविश्वास जब तक नहीं निकलेगा हमारा देश से, आज कोई भी बाबा बोलता है आपको सिर दर्द है, अब जलेबी आप आखिरी कब खाएं, आप जलेबी खा लिए आपका सिर दर्द खत्म हो जाएगा। अब जलेबी और सिरदर्द में कौन सा कनेक्शन है आप ही बता दीजिए, यहाँ पर जितने बुद्धिजीवी हैं हम भी उनके चेले बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छी बात कुलिन साहब ने कही। अंधविश्वास जो है किस तरह से बढ़ता जा रहा है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, और ये धर्म पर आच्छादित हो रहा है। दीपक शर्मा जी, इस धर्म पर इसकी काली छाया बहुत तेजी से छा रही है, जिस तरह से प्रदूषण हमारे वायुमंडल को खराब कर रहा है, उसी तरह से अंधविश्वास हमारे धर्मों को खराब कर रहा है। इस पर किस तरह से प्रतिक्रियावादी होना चाहिए, किस तरह से एग्रेसिवली मनुष्य को लगना पड़ेगा? ऐसा मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर बाबाओं के पास जाने वालों की जो संख्या है उनमें मोक्ष की कामना कम दिखलाई देती है या ज्ञान प्राप्ति की कामना कम दिखलाई देती है। ज़्यादातर ऐसे जो व्यावसायिक बाबाओं के पास जाने वाले लोग हैं वो अपने किसी मोह प्राप्ति या किसी कार्य सिद्धि के उद्देश्य से जाते हैं, और बाबा जो व्यवसायी बाबा हैं वो हमारी श्रद्धालुओं का ऐसा दुरुपयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने मन से जो भी धार्मिक अंधविश्वास है पहले आपको स्वयं दूर करना चाहिए। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ये देखना चाहिए कि क्या उचित है क्या अनुचित है, और किसी व्यक्ति के माध्यम से क्या हमारी समस्या का समाधान हो पाएगा या हम स्वयं सक्षम हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर मनुष्य सक्षम है ईश्वर को प्राप्त करने में, उसके लिए बहुत ज़्यादा किसी बाबा या किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। दीपक जी, आपने कहा एक तरह से सार तत्व में ये कहा जा सकता है कि मनुष्य का जो गुरु है, प्रथम गुरु वो स्वयं है, अंतिम गुरु भी वो स्वयं है जी। बीच के जो गुरु हैं वो काम बिगाड़ रहे हैं, और मोक्ष प्राप्ति की कामना कम दिखलाई देती है, और विलासिता की कामना अपनी अपने कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से लोग ज्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी उसी का लाभ वो उठा रहे हैं। बात कर रहा हूँ डॉक्टर राजेश साहब से। राजेश साहब, आप जब लोगों से बात करते होंगे समग्र थेरेपीज को, समग्र धार्मिक थेरेपियों को आप एक उसमें जोड़ करके विचारने की कोशिश करते हैं, तो इसमें अंधविश्वास के केसेस किस तरह के आते हैं? अंधविश्वास तो हिंदुस्तान में कूट कूट के भरा हुआ है जी। हम गुरुद्वारे के बाहर, मंदिर के बाहर, किसी भी धर्म स्थल के बाहर जूते चप्पल बाद में उतारते हैं, दिमाग पहले बाहर रख देते हैं जी, फिर अंदर जाते हैं। अब वो बाबा जी सही बोले अभी कि फलाना काम करो कृपा आना चालू हो जाए, मान जाते हैं हम लोग। अंधविश्वास को पूरी तरह दूर करना होगा, विवेक से काम लेना होगा और अपने अंदर के ईश्वर को खोजना होगा, ईश्वर को खोजना होगा। अमरजीत सिंह जी, अंदर के ईश्वर को खोजने की ही पूरी प्रक्रिया है ये, जिसमें ये बीच में कोई बाबा आते हैं माध्यम बनने की कोशिश करते हैं और धोखा। बाबा की बात है, बीच में मीडिएटर जिसको कहें अपन, तो हर व्यक्ति, हर संस्था का, हर धार्मिक
स्थान में जो भी ग्रंथी हो, पुजारी हो, सब गलत नहीं होते जी। गलत कुछ लोग गिनती के लोग रहते हैं और पूरे मैक्सिमम लोग धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं, ये कुछ बाबाओं के चक्कर में बाकी सब बदनाम हो जाते हैं जी। और हमें ये कहना बिल्कुल ठीक है कि हम डायरेक्ट हमें जुड़ना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति इस अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि मैं डायरेक्ट जुड़ सकता हूँ, इसलिए वो माध्यम की जरूरत है, पुजारी हो, ग्रंथी हो, पृष्ठ हो, जिनकी भी वो सेवाएं लेता है, वो कहीं से गलत नहीं है। कुछ लोगों के कारण पूरा देश आज बदनाम है हमारा, और मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने विवेक से कार्य करें, और जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भाई साहब ने बताया, ईश्वर को हम खुद खोजें, सही व्यक्ति के माध्यम से खोजें, लेकिन इन बाबाओं के चक्कर में बचें जो कि अपना अपना एजेंट लगा के रखे रहते हैं, अपना जो संख्या बढ़ाने के लिए अपना अपना एजेंट बना के रखते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं अमरजीत जी कि हमें ये ज़रूरी नहीं है कि सारी बिरादरी, सारी बाबा बिरादरी या सारी साधु बिरादरी या सारी पृष्ठ बिरादरी या सारी मौलवी बिरादरी कटघरे में है, लेकिन कटघरे में एक बड़ा संकट है। अभी हम हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं फिरोज साहब, फिरोज कुरैशी साहब, जो मुस्लिम समाज से आते हैं और धर्म की अच्छी व्याख्या कर लेते हैं, शिक्षाविद भी हैं और धर्म के व्यवहारिक पहलू पर उनका हमेशा फोकस रहता है। फिरोज साहब, आपसे एक प्रश्न है कि हाल ही में आए जो घटनाएं हैं, चाहे वो बाबा राम रहीम का मामला हो, चाहे वो संत रामपाल का मामला हो, चाहे आसाराम का मामला हो, या फिर तीन तलाक पर जिस तरह से समाज की उद्वेलनाया हो, इन सबको धार्मिक धर्म से इतना बारीकी और गंभीर तरीके से जोड़ दिया गया जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अंधविश्वास के वाहक थे, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? सर, अंधविश्वास के ही कारण ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है। हमारे देश में क्या है, बहुत अमूमन लोगों की शिक्षा का अभाव है और लोग एक अंधविश्वास, एक चार लोग अगर किसी के पक्ष में वातावरण बना दिए तो फिर पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा माहौल उसकी तरफ भागने लगता है, वो वास्तविकता से परे रहता है। ऐसे लोगों को, हम सब लोगों को जो सामाजिक लोग हैं, हम लोगों को भी इन लोगों का क्या कहते हैं, पहले पुख्ता वो कर लेना चाहिए कि वास्तव में ये संत हैं, तपस्वी हैं, कि पहले के जमानों में संतों का जो आश्रम होता था जंगलों में, बिहड़ों में होता था, ताकि वहाँ वो रह करके लीन में रह के सब कर सके। आजकल तो आधुनिक इस युग में बड़े ऐशो आराम के सब दुनिया के सब चीज़ें मुहैया कराते हैं और ऐसे जगह में करते हैं, तो इससे हमारी भी कुछ समाज की भी लोगों की कमजोरी है जो उस तरफ उनका रुझान या झुकाव बढ़ता है। कुरैशी साहब, इस्लाम को मुख्य रूप से एक बात के लिए जाना जाता है कि हृदय का धर्म, जो होता है जैसा होता है वैसा का वैसा, कोई टीका नहीं, कोई व्याख्याएं नहीं, जो है जैसा का तैसा है। इसकी वजह से ये हुआ है कि अंधविश्वास अपेक्षाकृत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उद्देलना कुछ चीज़ों को लिए लेकर के हुआ करती है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिन पर कि वो परिवर्तन नहीं चाहते। क्या इस दिशा में समाज को एक बार ये सोचने की भी आवश्यकता है कि समय के साथ कुछ परिस्थितियाँ थोड़ी सी परिवर्तित होती है, उन्हें की जाने में कोई बुराई नहीं? नहीं, बुराई नहीं है सर, वो ठीक है, मगर इस्लाम जो है, हमारा जो धर्म है, वो पूरे विश्व में एक ही है, एक ही चीज है जी, ये नहीं है कि जापान में कोई अलग हमारी किताब चलती हो या पाकिस्तान में अलग चलती हो या हिंदुस्तान में। इस्लाम की उत्पत्ति हमारी सऊदी अरब से हुई है और सऊदी अरब में अल्लाह ने जो कुरान को नाजिल किया है, मैंने भेजा है इस युग में, तो वो हर जगह एक ही है, उसमें कोई भी हम आगे पीछे कोई भी बिंदु का भी हम फर्क नहीं ला सकते। तो इसलिए मेरा मतलब मान्यता है, अमूमन ये कहा जाता है कि उसमें किसी तरह का भी कानून बनाना और उसको आगे पीछे करना, ये हम लोगों के बस का बात नहीं है जी। बहुत अच्छी बात फिरोज साहब,
तो आज की ये चर्चा है बी लाइव में। बी लाइव में हमने बात की अंधविश्वास और धर्म किस तरह से युति बना के चल रहे हैं, और धर्म पर अंधविश्वास की काली छाया इतनी ज्यादा छा जा रही है कि धर्म कहीं गर्त में चला जा रहा है। जो कभी प्रकाश का माध्यम हुआ करता था वो अंधकार की वजह बन रहा है, ऐसा ना हो इसलिए ये चर्चा थी। आप देखते रहिए बी लाइव यूट्यूब पर, आप इसके सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। हैशटैग बी लाइव जैसे आप डालेंगे तो आपको सारे वीडियोज इस एपिसोड के आने शुरू हो जाएंगे। पढ़ते रहिए पत्रिका अखबार, और इस एपिसोड को आप पढ़ेंगे रविवार के अंत में हमारे विशेष पेज सलाम बिलासपुर में। साथ ही आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं अभी patrika.com/city/state/city/bilaspur में जाकर के, और इसके अलावा इसको आप अभी फेसबुक पर लाइव भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।